नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। एक क्वेश्चन आया है कहीं से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो हमको हेल्प करेंगे अपने आप को समझने में कि ओशो अपने आप को अमीरों का गुरु क्यों कहते थे। ही इज़ टू एक्चुअली से दिस कि मैं आई एम रिच पीपल्स गुरु। और उनकी जो संस्था है वो भी काफ़ी महंगी है, मतलब आप जाना चाहें वहाँ पर तो। मैं कभी ओशो आश्रम में नहीं गया हूँ, ना पुणे गया हूँ, ना किसी भी आश्रम में नहीं गया हूँ। मुझे खाली किताबें खरीदता था, और किताबें भी मतलब अच्छी खासी महंगी होती है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही महंगी होती हैं। तो ऐसा क्यों करते थे वो, और क्यों अगर कंपैरेटिवली आप दूसरे गुरुज़ को देखें, जैसे कृष्णमूर्ति को देखें या और बाकी गुरुज़ को देखें, तो वो अमीरी की गरीबी की बात नहीं करते थे। ओशो इसके बारे में पहले तो जो मैंने उनके मुंह से सुना है जो कहते थे क्यों, तो पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद मेरे अपने ओपिनियन क्या है वो बताना चाहता हूँ मैं। वो कहते थे कि जो लोग भी रुपए पैसे जिसके पास नहीं है वो अभी तक रुपए पैसे के बारे में ही परेशान है, और अमीर लोग वो हैं जो कि पैसे से अब काफ़ी हद तक बोर हो चुके हैं, अब उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस वो पैसे से आने वाली परेशानियाँ और पैसे से आने वाली जो इल्यूजन्स थे वो उससे अब निकल चुके हैं, क्योंकि आमतौर पर हम लोगों को इल्यूजन होता है कि जब हम ढेर सारा पैसा कमा लेंगे तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो जो लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं उनको ये इल्यूजन्स ख़त्म हो जाते हैं कि पैसे से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इनफैक्ट उनकी लाइफ की मिजरीज एज इट इज़ चलती रहती हैं, और वो चाहते थे कि वही लोग उनके पास आएँ जो लोग ढेर सारा पैसा कमा चुके हैं और उसकी वजह से बोर हो चुके हैं। इसके लिए एक और लॉजिक के साथ कहानी देते थे, बोलते थे कि अमीरों में ज़्यादा लोग इनलाइटेंड होते हैं। जैसे बुद्ध के लिए बोला, महावीर के लिए बोला, कृष्ण के लिए बोलते थे, ये सब लोग राजा थे, तो उनके पास जो भी रुपए पैसे थे उससे वो लोग बोर हो गए, और फिर वो ज्ञान, उनको लगा कि ज्ञान के पीछे जाएं। फिर वो ये भी कहते थे कि जीसस क्राइस्ट का एग्जांपल देखिए कि जीसस बहुत स्पेशल हैं बिकॉज वो गरीब होने के बावजूद भी वो ज्ञान के प्रति अट्रैक्टेड हुए। तो ये भी कहते थे वो कि ऐसा नहीं कि खाली अमीरों के लिए ही ज्ञान है, गरीबों के लिए नहीं है। बट ही यूज़ टू प्रेफर कि उनके पास ज़्यादातर पैसे वाले इकट्ठे हो जाएं ताकि। अच्छा, कृष्णमूर्ति के साथ मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, कभी बात ही नहीं की उन्होंने। हालांकि उनके यहाँ भी अगर, जब मैं स्टूडेंट था उस समय तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उनकी फाउंडेशन में जाकर के 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुक सकूँ, लेकिन जितने भी लोग मुझे मिले कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में, ना उनके साथ बात करके कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो अमीरों को प्रेफरेंस देते हैं, गरीबों को नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ मुझे। लेकिन एक अलग चीज़ मुझे समझ में आई जो कि एनलाइटनमेंट से रिलेटेड है मेरी लाइफ में, कि सही में जब तक मेरे पास रुपए पैसे नहीं थे तब तक मैं जिन परेशानियों से जूझ रहा था वो रुपए पैसे की ही थी। पैसे जब से मेरे पास जॉब आई तब से मेरे पास एक अपना खुद का घर आया, मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे आए कि मैं किताबें खरीद सकूं, कहीं जाना हो तो ट्रैवलिंग के पैसे आ सकते हैं। तो जब तक आप पैसा नहीं कमाते ना तब तक आपके पास पैसे से आने वाली दिक्कतें परेशान करती रहती हैं। और जो एनलाइटनमेंट है वो एक बहुत गहरी और पारखी नज़र है जिसमें कि आप देख सकें आप अपनी प्रॉब्लम्स के पार, कि ये जो प्रॉब्लम को मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैसे से सॉल्व कर लूँगा, ये प्रॉब्लम इतनी हल्की नहीं है। जैसे अगर कोई आदमी सोचे कि मैं पढ़ाई कर लूँ, बचपन मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई कर लूँगा, 10th 12th कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 10th के बाद भी, 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी समझ में आया कि लाइफ ऐसी होती नहीं है। लाइफ एक विशेष सर्कल की तरह होती है जिसमें से कि आपको समझ से बाहर निकलना होगा। तो रुपए पैसे का सचमुच में एनलाइटनमेंट से कोई ताल्लुक है नहीं, समझ का है, जो कि कभी कभी पैसे के साथ आती है, कभी कभी पैसे के साथ नहीं आती। मैं ऐसे बहुत से अमीरों को जानता हूँ जो कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। तो जिस चीज़ को अमीरी बोल रहे थे कृष्णमूर्ति, ओशो, उसको थोड़ा सा समझिए। वो है बेसिकली आपका ओवर एक्सपोजर। जब आप ढेर सारी किताबें पढ़ लेते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है किताबों से कोई फ़ायदा नहीं। जब आप ढेर सारा सेक्सुअल लाइफ में घुस जाते हैं तो आपको लगता है कि ये भी बेमानी है, बोर्डम आ जाती है। बेसिकली आपको बोर्डम आ जाती है आपके उन चीज़ों से जो आपके पास पहले नहीं था लेकिन अब ढेर सारा है। और जब से हम लोगों ने एक कोर्स चालू किया तब से मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे, बहुत से लोग इसी बात पर परेशान हो जाते हैं कि हम लोग इसकी जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और वो बेचारे कौन लोग करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अपने आप को समझने के लिए, एनलाइटन होने के लिए, वो आपका माइंड है, आपकी लाइफ है,
और कुछ नहीं चाहिए आपको, जरूरत भी नहीं चाहिए आपको, कोई किताब नहीं चाहिए, बशर्ते आप अपनी लाइफ को बहुत ही सीरियसली समझने की प्रयास में लगे हों, गिव अप ना किया हो। आमतौर पे क्या होता है, जब हमारे पास रुपए पैसे नहीं होते, खाने के लिए दिक्कत होती है, सोने सोना पड़ता है, तो गर्मी में पसीना मच्छर ये सब जब होते हैं ना, तो आदमी फिर इन झंझटों से गिव अप कर देता है। फिर उसको लगता है कम से कम लाइफ तो ठीक हो जाए। लेकिन रमण महर्षि जैसे लोग देखिए आप, वो लोग कौन थे, जंगलों में रहते थे, बड़े बड़े मच्छर उनको काट जाते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के बाद है, और हमारे आपके लिए जो एनलाइटनमेंट का डेफिनेशन है ना, वो बड़ा सुपरफिशियल है। हम लोग सोचते हैं कि एनलाइटनमेंट मतलब जो मेरी आज की इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने एक इमेजिनरी सोल्यूशन किया है, वो सॉल्व हो जाए तो बस। जैसे मान लीजिए आपको कोई तुरंत एक फिल्म देखनी है, तो अगर कोई पैसे देकर आपको फिल्म दिखा दे तो आपको लगता है वो एनलाइटनमेंट है। हाँ, आमतौर पर हम लोग इसी को एनलाइटनमेंट मानते हैं, जो इमीडिएट प्रॉब्लम को जो हमको भुला सके। हमारे लिए सेक्स एनलाइटमेंट है, तभी तो सेक्स से समाधि करके खूब खूब बिका, उनका किताब बिका, क्योंकि लोग सेक्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। बट एक एक स्टाटा था लोगों का, जिनको ओशो ने गिल्ट फ्री किया, जिनको उन्होंने अट्रैक्ट किया। अभी भी मैं फिर से बार बार कहूँगा, जो लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, वो लोग को एक टाइम के बाद लगेगा कि इसका ताल्लुक रुपए पैसे से नहीं है, अपने मन को समझने से। और कृष्णमूर्ति ने उसमें मुझे बहुत हेल्प किया है, आपको भी करेंगे। थैंक यू। हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, 21 और 22 मई को मैं दिल्ली में रहूँगा। उसमें छोटे से ग्रुप्स में करीब 10-15 लोगों का एक मीटिंग रहेगी, हम लोगों के छोटे से ड्राइंग रूम में रहेगा, और हम लोग अपने पर्सनल क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके पर्सनल क्वेश्चंस आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हम लोग उसमें डीपली प्रोब करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को पर्सनली जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब चीज़ हम लोग पहली बार कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग दिल्ली के बाद और भी शहरों में आएंगे, बॉम्बे, कलकत्ता, और भी छोटे छोटे शहरों में भी जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ही शहर में, अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, मैं वहां पर आऊँगा। जहाँ जहाँ पर भी लोग ग्रुप्स में इकट्ठे होंगे और मुझसे मिलना चाहेंगे, मैं वहां पर आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, 21 और 22 मई को आपका वहाँ स्वागत है। थैंक यू।